जय हिंद वंदे मातरम साथियों। हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी एक बहुत बड़ी जगह है, और जो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो बहुत आवश्यक और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज इस वीडियो में हम एनडीए ज्वाइन करने के जो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस है, जो कि एक साल का चलता है, उस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझा देंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको एनडीए के सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, और हर बार लगभग 4 लाख स्टूडेंट इस पर अप्लाई करते हैं। एक फॉर्म फिलअप होता है साल के शुरुआत जनवरी में, जिसका रिटन एग्जाम अप्रैल में होता है, और दूसरी बार जो फॉर्म फिलअप होता है वो है जुलाई में, जिसका रिटन एग्जाम सितंबर में होता है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के सिलेक्शन प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है फॉर्म को फिलअप करना। फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होता है, ऑफिशियल वेबसाइट से होता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एज लिमिट, आपका उम्र 16.5 से लेकर के 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। एडुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आप आर्मी विंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होने चाहिए। इनफैक्ट 12th में रहते हुए भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आर्मी विंग के लिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहीं पर नेवी और एयरफोर्स के लिए आपका स्ट्रीम साइंस होना और साइंस में भी फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है। और जब आप ऑनलाइन एनडीए के फॉर्म फिलअप करोगे वहीं पर आपको अपना प्रेफरेंस देना होगा कि आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स किस में ज्वाइन करना चाहते हो। अब फॉर्म फिलअप के बाद दूसरा जो स्टेप है वो है रिटन एग्जाम। देखिए, एनडीए का रिटन एग्जाम टोटल 900 नंबर का होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर 2 पेपर होता है। पहला पेपर है मैथमेटिक्स का, दूसरा पेपर है जीएटी। जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका पूरा टाइम 2.5 घंटे का होता है, और टोटल 120 क्वेश्चंस रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 0.83 नंबर नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी कि मैथमेटिक्स का जो टोटल एग्जाम है वो 300 नंबर का होगा, और जो दूसरा जीएटी है उसमें भी आपको 2.5 घंटे का ही वक्त मिलेगा, लेकिन इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 मार्क मिलेगा, और गलत होने पर 1.33 मार्क्स कट डाउन हो जाएंगे। टोटल नंबर इस पर 600 होगा। ये दोनों ही एग्जाम एक ही डेट में होगा। जो मैथ का एग्जाम है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक होता है, उसके बाद 1.5 घंटे का आपको गैप मिलता है, और उसके बाद 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक जीएटी का पेपर होता है। अब एग्जाम पैटर्न के बाद बात करते हैं सिलेबस की। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 10th से लेकर के 12th के मैथमेटिक्स रहते हैं। बहुत हार्ड नहीं रहता है, जनरल मैथमेटिक्स, और उसमें शॉर्ट कैलकुलेशन से आपको आंसर करना होता है। और दूसरा जो जीएटी है उस पर आपको 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस रहेगा इंग्लिश के, 50 क्वेश्चंस रहेंगे साइंस के, और 50 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल स्टडीज यानी कि जीएस से। अब आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिए, सिलेबस समझ लिए, आपने एग्जाम भी दे दिया, और अगर आप वहां पर क्वालिफाई होते हो तो उसके बाद आपको मेल किया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, आपको रिकमेंड किया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू टोटल 5 दिन का होता है। इस 5 दिन में आपके कैरेक्टर को टेस्ट किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एसएसबी इंटरव्यू में भी 900 नंबर होते हैं अलग अलग सेक्टर में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको किसी और दिन कवर करेंगे। एसएसबी इंटरव्यू में आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कोर, आपका कैरेक्टर को देखा जाता है। अगर आप रिटन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों को ही क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों का जो मार्क्स है उन दोनों को कॉम्बाइंड किया जाता है। रिटन एग्जाम में आपको कितना मिला और एसएसबी इंटरव्यू में कितना मिला, सब मिला करके आपका बनता है स्कोर। और अगर आप दोनों में ही पास करते हैं तो आपको 4 से 5 दिन के लिए मेडिकल टेस्ट में भेजा जाता है। इस 4 से 5 दिन के मेडिकल टेस्ट में आपके सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक चेक किया जाता है। सबसे हार्ड मेडिकल होता है एयरफोर्स का, सबसे लूज मेडिकल होता है आर्मी का, मैं आपको बता दूं, लेकिन यहां पर भी आपको फिट एंड फाइन होना है। मेडिकल टेस्ट में भी अगर आप फिट एंड फाइन निकलते हो तो उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम निकल जाए तो उसके बाद होता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद आपको सीधा भेजा जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो मैं
आपको बता दूं, फॉर्म फिलअप करने से शुरू करके ज्वाइनिंग तक ये पूरा प्रोसेस चलता है एक साल का। यानी कि अगर आप साल के शुरुआत में जनवरी में फॉर्म भरते हो तो आपकी ज्वाइनिंग होगी नेक्स्ट ईयर जनवरी में। अगर आप जुलाई में फॉर्म भरते हो तो आपकी ज्वाइनिंग होगी नेक्स्ट ईयर जुलाई में। और नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइनिंग के बाद आपकी कुल मिलाकर 3 साल की ट्रेनिंग होती है। इंडिया से जब आप बाहर निकलते हो तो आपके पास में एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी होता है। तो दोस्तों, ये था नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।